कर रहे हैं। गुड इवनिंग सभी को, सभी लोग जुड़े फटाफट और क्वेश्चन करें। ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर एक, पहला प्रश्न। शुरू करें, देर नहीं करें, वैसे भी ऑलरेडी देर हो चुकी है। लिखा हुआ है, विद्यार्थियों को पौधों एवं वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए निम्नों से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त नीति है। पहला ऑप्शन, पहला कथन लिखा है, लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण करना, बी वनों के काटने से बचाने के लिए पोस्टर बनाना, सी वनों के संरक्षण पर नाटक करना, डी एक पेड़ को अपनाना और उसकी देखभाल। सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी है? तो नीचे स्क्रीन पर ऑप्शन लिखे हुए हैं, जवाब दें एक तरफ से, बिल्कुल भी देर नहीं करें। अतुल राजपूत जवाब दे रहे आदेश का भी जवाब ये रहा रहा। चलिए, सर्वाधिक उपयुक्त की अगर हम बात करेंगे, अगर सर्वाधिक उपयुक्त की बात आएगी तो कौन से सही है भाई? लकड़ी के लट्ठों का गोदाम का भ्रमण कराना सही है, समझेगा। वनों को काटने से बचाने के लिए पोस्टर बनाना सर्वाधिक उपयुक्त की बात, ये भी हो सकता है उपयुक्त, और पढ़ लेते हैं। वनों के संरक्षण पर नाटक करना अच्छा है, बेस्ट है। एक पेड़ को अपनाना, उसकी देखभाल करना सबसे बेस्ट है। अब आपके सर्वाधिक उपयुक्त में ये तीन विधियां, तीन किस्में, ए सी डी, और ये जवाब है ए। और इसमें हमने पेडागॉजी के अलावा कुछ क्वेश्चन ईवीएस की भी ले रखे हैं, ताकि आपकी टेस्टिंग हो जाए क्या आपको आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। चलिए चलिए भाई, गुड इवनिंग, नमस्ते सबको। एक बार हो गया, अभी बार बार नहीं कर पाएंगे ना, तो सेशन ऑलरेडी लेट है। ये रहा क्वेश्चन नंबर दो, स्क्रीन पर पढ़ें और जवाब दें। बाकी और लोग जुड़े, पर कल्याणपुर वालों को एक सूचना देते हैं, एनसीईआरटी की ईवीएस का अध्याय 23 पोचमपल्ली खाली स्थान पर आधारित है। किस पर आधारित है? वास्तविक स्थान पर आधारित है, या वास्तविक घटनाओं पर, या वास्तविक लोग व उनके अनुभव पर, या डी वास्तविक चित्र पर? जवाब दें। हमेशा सलाह दी कि एनसीईआरटी किताबें कक्षा 3, 4, 5 की ले लें, और मनोज सर ने उन्हें डिस्क्राइब भी बहुत अच्छे से किया होगा। बेटा मोस्टली देखते हो, एक ही आदमी ईबीएस भी पढ़ाएगा, पेडागॉजी भी पढ़ाएगा। हम लोगों ने ढेर सारे अलग अलग एक्सपर्ट लगा रखे हैं, हमारे एक आदमी नहीं पढ़ाता है। किससे संबंधित है? वास्तविक स्थान से संबंधित है। चलिए, मोस्टली लोगों का जवाब सी आ रहा, सी आ रहा। एक्सप्लेनेशन को इसका दे सकता है, ये हमने मेन ईबीएस के क्वेश्चन उठा रखे हैं। पोचमपल्ली कोई एक्सप्लेनेशन दे सकता है इसका? अगर सी जवाब पे कोई अड़ी गए तो अपना एक्सप्लेनेशन दे। अतुल कह रहे जी सर, रईस कह रहे जी सर, अजय सिंह 2 का ए, शिवानी ए, प्रदीप यादव, अतुल राजपूत दे जवाब, रोजी। साड़ी प्रसिद्ध है, प्लेस है ए होगा। चलिए सही है, क्लियर है आपका, कोई डाउट नहीं, ए जवाब ही होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड, पढ़ें और जवाब दें। इन अ चैप्टर 15 एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 5 ब्लो हॉट
ब्लू कोल्ड एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज यूज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टोरी इज टू बी डेवलप द एनसीईआरटी के ईबीएस के अध्याय 15 कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित कहानी का प्रयोग किया गया है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। चार में ये कहानी क्या विकसित करेगी, अध्याय 15 में दिया गया है। और बार बार सलाह बोलते कि एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, लेकिन आपको कई बार बातें माननी नहीं होती। थर्ड का सी जवाब आप आ रहा है जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एंड प्राइमरी लेवल, प्राथमिक से सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ। और सभी का जवाब सही है, सी जवाब ही होगा, कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। बढ़िया, वेरी गुड, बढ़ते चले जाएं इसी के साथ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर फोर्थ सभी लोग जवाब दें फटाफट। द अरेंजमेंट ऑफ बेंस एंड बेनलेट्स इन द लीफ टर्म्ड एज, पत्ती में सिराओं व छोटी कोशिकाओं की व्यवस्था का नाम है पटल, सिराभिन्यास, मध्य सिरा, व्रत या पर्णव्रंथ। जवाब दें सभी लोग, पढ़ें फटाफट, जवाब दें, देर नहीं करना। देख पा रहे हैं स्क्रीन में, सभी का जवाब सही आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, कई बार आपको लगता तो आपकी तैयारी कमजोर, लेकिन तैयारी है आपकी, बाकी हमारा वही याद रखेंगे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, हमें मन से कभी हारना ही नहीं है। क्यों हम रिजल्ट पहले ही निकाल लें? आपको हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, कई बार क्रिकेट गेम्स में ऐसा फंसता है भाई कि एक बॉल बची हुई होती है और 5 रन बनाने होते हैं। अगर कॉन्फिडेंट बंदा खड़ा होता है तो 9 बॉल पर 6 चला जाता है। तो आप घबराइए नहीं, काम धैर्य से करिए, परिणाम वही आएगा जो आप चाहते हैं, उससे 2 कदम बढ़ के आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये राय स्किन पर। लॉस ऑफ बटर इन द फॉर्म ऑफ द वेपर फ्रॉम द एरियल स्पॉट ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड, पौधों के ऊपरी भागों से बाष्प के रूप में जल की क्षति को कहते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, ग्रोथ यानी वृद्धि, रेस्पायरेशन यानी श्वसन, ट्रांसपायरेशन यानी बाष्पोत्सर्जन। जवाब दीजिए, जवाब दें सभी लोग। शिवा ठाकुर खुश रहो, भैया खुश रहो, प्रसन्न रहो, सभी लोग जुड़े। इसमें तो हमारे वो छात्र भी जुड़े रहते हैं, अक्सर हम बोला करते हैं जो ऑलरेडी 100+ मार्क्स से पास हैं, वो सब जुड़े रहते हैं सर। और इसका सभी लोगों का जवाब आ रहा है बाष्पोत्सर्जन। बढ़िया बेटा, वेरी गुड। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जो ऑनलाइन डायरेक्ट जुड़ रहे हैं या पैसे का अभाव उनकी कोई समस्या है, तो ऑनलाइन तो फ्री सेवा है, कोई इसमें डाउट नहीं, सक संदेह नहीं। 1 तारीख से एक ऑफर दे रहे, क्योंकि कई बार बच्चों का आया कैसा, अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा, अच्छी चीजें नहीं मिल रही, ये हो गया वो हो गया, सब यहाँ बोलना नहीं चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। हमारे पास 1 दिसंबर से आपके पास ऑप्शन है, एक खोल दे रहे हैं आपको, आप 999 रुपये पे करें ऑफलाइन, पूरा कोर्स रिवाइज करा के ढंग से तैयार किया जाएगा, ढंग से। अगर कोई भी आपके मिलने वाले साथी कोई भी हो, तीनों ब्रांच के बच्चे ये बात सर्कुलेट कर दें कि अगर किसी को भी आर्थिक कोई समस्या है
3,3500 जो भी देने में सक्षम ना हो पा रहा हो, तो एक लास्ट ऑप्शन 999 रुपये का है उसके लिए। और जिनकी पिछला 4 महीने, 2 महीने से, 1 महीने से पड़ रहा है, जिनका बकाया है, वो लोग भाई बिल्कुल ना आए। हमेशा कर्मचारियों को इस बात की दिक्कत होती है ना? तुम्हारे जो डायरेक्टर हैं वो सब इतने बिजी हैं, चाहे हम हो चाहे मनोज सर, उनके पास टाइम नहीं वो बात कर पाए फोन से। तो आप सिफारिश लगाने बकाए वाले ना आए, अपना जो भी जहाँ है वो क्लियर करें। 1 दिसंबर से एक ऑप्शन खोला जा रहा 999 रुपये का, जिसमें कोई डेमो नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट आइए, पहले दिन एडमिशन लीजिए, क्लास ज्वाइन करिए। डेमो वेमो नहीं बेटा, बहुत डेमो दे दिया है लगभग 12-13 साल से मनोज सर डेमो दे रहे हैं, और 9 साल से ऊपर हमें समय हो रहा, अब हम डेमो देना नहीं चाहते हैं, बहुत दे दिया। चलिए नेक्स्ट, ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ें केयरफुली और जवाब दें। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द लार्ज डैम इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, द डेग्नेशियस पीपल वर कंपेल्ड टू मूव आउट देयर हैबिटेट्स। दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? उन्हें अपना प्राकृतिक आवास छोड़ना पड़ा, क्या इसको ट्रांसफर तबादला बोलते हैं, या इमिग्रेशन स्थानांतरण द्वारा अंदर आना, या आउट माइग्रेशन स्थानांतरण द्वारा बाहर जाना, या डी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। और सभी का जवाब सही आएगा, एक एक व्यक्ति का जवाब सही आएगा, उम्मीद करते हैं। चलिए सभी का जवाब देख रहे स्क्रीन पर सही है। बेटा पता नहीं, कभी कभी कुछ लोग हमें सलाह दिया करते हैं कि सर आप चारों ऑप्शन क्यों नहीं एक्सप्लेन करते, चारों ऑप्शन एक्सप्लेन करो, क्या करें? आप बताइए, जब आपकी 100% एक्यूरेसी रहती है, 100% जवाब सही आते, तो क्या एक्सप्लेन करें? हमें तो नहीं लगता आप सकता है। बाकी भी काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, तो महत्वपूर्ण सूचना सुन लीजिए। कल्याणपुर वाले जितने भी बच्चे हमारे कल्याणपुर ब्रांच के हैं, विश्वास अकेडमी के, आपको पता था, हमने आज ऑफलाइन डिस्कस भी किया था, तो उस बिल्डिंग में क्लास नहीं हो पाएगी, भागवत का कार्यक्रम है। बगल वाली बिल्डिंग में जो टाइल्स पत्थर का काम हो रहा था, कल तक कंप्लीट हो जाएगा, और वो परसों से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? जस्ट बगल में, अपोजिट साइड में रोड के उधर, उसमें आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कल सभी लोग, जितने भी कल्याणपुर ब्रांच के बच्चे हैं, कल हमने क्लास बर्रा ले ली है। वैसे हमारी कल बर्रा नहीं होती, कल हमारी बर्रा में 10 से 2 क्लास रहेगी, 10 से 2। तो कल्याणपुर ब्रांच, चाहे वो अकबरपुर ब्रांच हो, सभी बच्चे 10 से 2 के टाइम पर घर में कॉपी लेके बैठेंगे, डाटा का रिचार्ज कर लेंगे, ठीक, बराबर हमें सुनेंगे, बराबर लिखेंगे। पूरी मैथ की पैडागॉजी 4 घंटे में आपकी कंप्लीट करा देंगे, विधिवत ढंग से, आपका डाटा और आपका दिल दिमाग साथ दे दे, ठीक है, भूलिएगा नहीं, और लोगों को भी सर्कुलेट कर दें। रहस करें, लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलो कोई नहीं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, वरना डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लाइक शेयर तो यहाँ नहीं मांगे कि आप हमें लाइक करें, शेयर करें, कितनी बार बोला। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7। स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में कौन सी मानचित्र के बारे में सही है? कौन सा मानचित्र के बारे में सही है? अगर स्क्रीन पे बीच में हम आ रहे हो तो हट जा रहे हैं, आप पढ़ें, बिल्कुल क्लियर कट। अतुल कह रहे हैं बर्रा आ जाएं,
अगर आप में से कोई कल्याणपुर से या अकबरपुर से कहीं भी चाहे कि वो बर्रा आ सकता है तो भाई आप आ सकते हैं 10 बजे। एक दिन की बात है, 20-25 रुपए किराया ना सही, दिक्कत हो हमसे ले लेना यार। इतना तो तुम्हें छोटे भाई बहन के नाते, इतना तो हमारा प्यार इसने तुम्हारे लिए हमेशा बना रहता है। जब फीस में इतना लंबा आपको डिस्काउंट दे देते हैं, अगर अतुल समय हो और आपके साथियों का समय हो तो बर्रा ब्रांच हमारी सचान गेस्ट हाउस, आप किसी से पूछ लीजिए, सचान चौरा, सचान गेस्ट हाउस के अंदर ही चलती है कोचिंग, उसी बिल्डिंग में अंदर आ जाइए धड़ाते हुए, धर्मेंद्र सर मिलेंगे आपको। चलिए 7 नंबर देखते हैं क्या जवाब आ रहा है आपको। आदेश भी करे कल वहीं मिलते हैं सर, बिल्कुल आदेश वहां मिले, क्या दिक्कत है, सभी ब्रांच अपनी है, कहीं भी पढ़े कहीं भी आए जाए। सुपर थोड़ा लेट हो गया तो तमाम बच्चियों की शादी हो गई तो कल्याणपुर से बर्रा हो गई तो यहाँ शिफ्ट कर लिया, कोई पैसा नहीं पड़ा उनसे, आ सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 7 का जवाब आप बी दे रहे हैं, बी का मतलब है आप कह रहे बी और डी सही है, यानी वस्तुओं दीवारों सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। डी मानचित्र उत्तर दिशा सवाय ऊपर के हाशिए, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं और इसका जवाब बी ही होगा, सभी का जवाब सही। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंस, निम्नलिखित में कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ए साइंस इज सिस्टमाइज एंड सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज एंड स्टेटिक्स, विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान एवं स्थिर है, साइंस इज बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट, विज्ञान ज्ञान की इकाई व निर्माण की प्रक्रिया है। सी साइंस ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज एंड सिस्टमाइज्ड, विज्ञान संगठित ज्ञान एवं सुव्यवस्थित है। डी साइंस इज बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज नॉलेज एंड डायनेमिक, विज्ञान संगठित ज्ञान की इकाई एवं गत्यात्मक है, और सभी का जवाब सही आएगा उम्मीद करते हैं। हम जो स्क्रीन पर देख रहे हैं सभी के जवाब सही हैं। अजीत यादव कह रहे हैं हेलो सर, बताओ भाई अजीत क्या हुआ, हेलो के आगे कुछ तो बोलो। चलिए सभी का जवाब सही है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर पढ़ें और जवाब दें। बेटा डी ऑप्शन जो है ये हिंदी इसकी रटकर सीखना लिखा है, इंग्लिश डिस्करेजिंग रोट लर्निंग, इंग्लिश पढ़ लें, जो डी में लिखा है ना ये वाला, इसकी इंग्लिश पढ़ लें एक बार, तो इतने में गड़बड़ लिखा हुआ। उम्मीद करते हैं जवाब सही आएगा। नाइन में नाइन नंबर का जवाब जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, नाइन का ए जवाब आ रहा, कुछ लोगों का बी आ रहा, ए आ रहा, बी आ रहा। लिखा निम्नलिखित किस प्रकार का सीखना ईबीएस के कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, यही तो है, यही है ना, तो भाई स्वयं करके सीखना ये तो बिल्कुल सही है, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, चाह के भी इधर उधर कुछ नहीं कर सकते हैं। डी लिखा रटकर सीखना, विवरणों द्वारा सीखना, परिभाषाओं द्वारा सीखना बहुत कम उपयुक्त माना जाता है, इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं है कि उसको विवरण दे दो परिभाषाएं रटा दो। तो मोस्ट ऑफ द करेक्ट जो ऑप्शन स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है वो जवाब बी है, बी जवाब सही होगा एक तरफ से। चलिए ये रहा स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न नंबर 10, थिंग्स वी मेक एंड डू इन ईवीएस करिकुलम,
इज आ। ईबीएस के पाठ्यक्रम में हम चीजें कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं, ए ये क्या है, थीम है, बी सब थीम है, सी सिलेबस है, डी टॉपिक है। जवाब दें। हम चीजें कैसे बनाते हैं और थीम आपको विधिवत पढ़ाया गया है। अगर कुछ बच्चे एकदम नए जुड़े हों तो उन्हें हम सलाह दे रहे हैं कि वो थीम हमारा टॉपिक पढ़ा हुआ ऑलरेडी, उसके क्वेश्चन हैं, आप पढ़ लें। सभी का जवाब सही आ रहा है। ये क्या है, ये थीम है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करें, इसका पूरा वीडियो पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, देख सकते हैं आप। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर, पढ़ें और जवाब दें। विच इज आर स्ट्रेटजी ऑफ सेंसिटाइजिंग द स्टूडेंट ऑन इशू ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल, पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। किसकी, आई स्टोरी एंड नैरेटिव्स, कहानियां एवं विवरण, या बी एक्सपेरिमेंट, सी कॉमिक स्ट्रिप, हास्य चित्र पट्टियां, डी पोएम यानी कविताएं। अब आप बताएंगे इसमें कौन कौन से सही है। ऐसे वालों का जवाब बड़ा केयरफुली अच्छे से दीजिए। नारायण यादव जुड़ गए भाई। नारायण भाई कहाँ गया, वो क्यों नहीं जुड़ता है? नारायण जवाब दें, हमें उसको भी जोड़िए। रजनीश कह रहे हैं 9 का होगा, 11 का डी जवाब दे रहे हैं आप। आप कह रहे केवल नहीं, ए बी सी और डी सही है। भाई समझ लो एक बार, पशुओं के संरक्षण के विषय में छात्रों को संवेदित करने के लिए क्या एक्सपेरिमेंट कराएंगे आप? क्या एक्सपेरिमेंट पशुओं पर कराएंगे? जूही राय करें, एक बार देख लो ये जूही है कि जया है, नाम तो जूही लिख के आ रहा है। 11 का डी जवाब आ रहा मोस्टली, जिसमें चारों ऑप्शन बच्चे सही बता रहे हैं। पशुओं के संरक्षण विषय की बात है तो कुछ प्रयोग करने की भी बात कह रहे हैं कुछ बच्चे। ए सी एंड डी एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे आप, पशु क्या प्रयोग करेंगे? प्रयोग ना करिए, संरक्षण की बात हो रही। स्टोरी विवरण सही है, हास्य चित्र पट्टियां सही है और कविताएं। इसका बी जवाब सही होगा, बी जवाब सही होगा। मोस्टली बच्चों का बी जवाब आ रहा 90% से अब। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा स्पीड से करते रहे, ज्यादा नहीं है, 30 क्वेश्चन है ओनली। हो सकता है कोई सोचे पता नहीं सर कितने कराएंगे। देव शिखा करें सर बी होगा 11 का। अच्छा मेरी बहन, दीप सिखा करे एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, क्या बात है। ये रहा 12 नंबर क्वेश्चन, जवाब दें। आपने बोला था ना सर ऐसे ही वाले क्वेश्चन कराइए। रजनीश कह रहे सर 9 को दोबारा देख लो। रजनीश देख लेंगे, अभी होने दो, आप जो चल रहा है फ्लो में चलने दो, देख लेंगे, बिल्कुल देख लेंगे, नो डाउट। निम्न में कौन से क्रियाकलाप क्रियाकलापों का सुझाव, हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है, थीम खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त हैं? ए किसानों के वृत्तांतों का साझा करना, बी किसी खेत में जाना अवलोकन करना, सी अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना, डी कुछ डबल रोटी व अन्य खाद्य पदार्थों कुछ दिनों के लिए रख देना। और इसका जवाब दें सभी लोग। 12 का ये जवाब आ रहा, यानी ए बी तथा सी सही है। ए बी सी, 12 का ए बिल्कुल सही जवाब है, सभी का ए जवाब होगा, ए जवाब होगा। और कुछ बच्चे अगर बिल्कुल नए जुड़े जो हमारी किसी भी ब्रांच में नहीं पढ़ते हैं, बेटा अगर पैसे का अभाव हो, बहुत बड़ी समस्याएं हो, तो एक बार सोमवार मंगलवार बुधवार हम कल्याणपुर ब्रांच में रहते हैं, आप आके मैं बताइए, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है, समस्या है आपके अंदर, पढ़ने की चाहत है, तो मैं फ्री पढ़ाने के लिए आपको तैयार हूं।
समस्या सही हो, कोई बनावटी समस्या ना हो। क्यों, रोड किनारे एक भंडारा भी गरीबों के लिए कराया जाता है तो गरीबों ज्यादा रईस खाते हैं और बांध के ले जाते हैं, रिक्शे वाले पीछे धकिया देते हैं। इस समाज की कुछ चीजें कई बार हमें समझ कम आती हैं। ये रात 13 नंबर पढ़ें और जवाब दें। द थीम ऑफ ईवीएस प्राइमरी लेवल कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड बिकॉज ऑफ प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम आपस में संबद्ध तथा अंतर संबंधित है क्योंकि इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस, ईवीएस के एकीकृत स्वरूप या डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ईवीएस, ईवीएस का अनुशासनीय स्वरूप, सी सिंगल सब्जेक्ट नेचर ऑफ ईवीएस, ईवीएस का एकल स्वरूप विषय स्वरूप, डी टॉपिक बेस्ड नेचर ऑफ ईवीएस, ईवीएस का विषय आधारित स्वरूप। पढ़ें और जवाब दें सभी लोग। हमें नहीं लगता किसी को शक होना चाहिए, संदेह। इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस, और कक्षा 1-2 में चलता नहीं, 3 से शुरू होता है, 1-2 में कहाँ इंटीग्रेटेड रहता है, किसमें जुड़ा रहता है, बहुत अच्छे से करा रखा है आपको। और बेटा हम लोगों के जो नोट्स हैं जो हमारे बच्चों को मिलेंगे जिन्होंने ऑफलाइन एडमिशन कर रखा, कहीं का भी बच्चा, कोई भी बच्चा वो नोट्स प्राप्त कर सकता है केवल फोटोकॉपी की कीमत की रेट पर। नोट्स तो इतने अच्छे से बनाए गए हैं कि हम कह नहीं सकते कुछ, लेकिन तब भी जो नोट्स आप 1000, 1200, 500, 400 में खरीदते हैं वो हमारी ब्रांच में फ्री अवेलेबल हैं। चलिए नेक्स्ट ईयर आप 14 नंबर। नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी इज पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, मोर अ नाउन देन अ वर्ब, क्रिया की अपेक्षा संज्ञा अधिक, बी मोर अ वर्ब देन अ नाउन, संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक, बी बोथ नाउन एंड वर्ब, डी नाइदर नाउन आर नॉट वर्ब। जवाब दें 14 में। संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक, क्या ये जवाब है? लोगों सी जवाब आ रहा, बोथ नाउन एंड वर्ब, संज्ञा एवं क्रिया दोनों, और बी में लिखा है संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक। 14 उधर सी 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 जवाब आ रहे भाई। सोनम भदौरिया कह रही बी जवाब है। सोनम अकेले हो तुम बी के पक्ष में। संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक, एक सोनम भदौरिया इस पक्ष में और एक हम। कोई कह रहा है दोनों, हम तो कह रहे संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक है। सुभी दुबे कह रही बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर, थोड़ी स्पीड मेंटेन रखिए बेटा। इन ईबीएस मीनिंगफुल लर्निंग कैन नॉट बी प्रोवाइड बाई पर्यावरण अध्ययन में सार्थक पूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है? ए स्टोरीज एंड नैरेटिव्स, किस्से और कहानियों द्वारा, अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रेन टू एक्सप्लोर देयर एनवायरमेंट, बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने का अवसर देना, सी आस्किंग द क्वेश्चन एट बिगनिंग ऑफ द सब थीम, प्रत्येक उपकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर, डी बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके, इन्वॉल्विंग चिल्ड्रेन इन मेमोरी बेस्ड लर्निंग। और सभी लोग सही जवाब देंगे 15 में। फिफ्टीन का जवाब डी आ रहा है, देख पा रहे सभी का जवाब सही है, बच्चों को इन्वॉल्विंग चिल्ड्रेन इन मेमोरी बेस्ड लर्निंग, बच्चों को स्मरण आदि सीखने में शामिल करके। ये रहा 16 नंबर, पढ़े और जवाब दें फटाफट। इन लर्निंग ऑफ ईवीएस एक्टिविटी कंडक्टेड बाई टीचर्स शुड बी फॉलोड बाई अथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग, ईवीएस की कक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रमाणिक अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु होना चाहिए, ए डिस्कशन, बी लिसनिंग ऑफ एक्टिविटी, क्रियाकलापों की सूची बनाना, सी लर्निंग ऑफ स्टेप एक्टिविटी, क्रियाकलापों के चरण याद करना, डी रिकैप्चुएशन, लेसन ऑफ एक्टिविटी, क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति करना। और सभी का जवाब सही आ रहा है जहां तक देख पा रहे हैं हम। डिस्कशन ए जवाब सही, बिल्कुल सही जवाब है डिस्कशन।
और बेटा नए बच्चे जितने जुड़े हैं तो याद रखें, पहले हम थ्योरी पढ़ाते हैं, जस्ट देन क्वेश्चन कराते हैं, इसीलिए हमें चारों ऑप्शन एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब डायरेक्ट क्वेश्चन कराए जाते हैं, मेरा तो मानना यही है कि थ्योरी कॉन्सेप्ट इतने ढंग से क्लियर करा दो कि नया क्वेश्चन जो आएगा वो भी ना छूटे। क्वेश्चन के सारे थ्योरी तैयार कराना थोड़ा हमें टफ लगता है। मूवी दिखा दो 3 घंटे की, कुछ भी क्वेश्चन बना दो, बीच बीच करेक्टर हटा दो, मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने का पॉसिबल नहीं है। चलिए, 17 रिलेशन ऑफ ईवीएस चाइल्ड लुक्स एट दिस एनवायरमेंट। ईवीएस के संदर्भ बच्चा अपने वातावरण को निम्न से किस ढंग से देखता है? इंटू इट सेग्रेटेड फॉर्म, उसे पृथक रूप में, इन अ होलिस्टिक मैनर, समग्र रूप में, इन इट सैम्पल फॉर्म, सिंपल फॉर्म, उसके साधारण रूप में। डी इंटू इट्स थीम फॉर्म, उसके थीम के रूप में। उम्मीद करते हैं सभी का जवाब आएगा। इन अ होलिस्टिक मैनर, नेक्स्ट ये रहा स्क्रीन पर 80 नंबर क्वेश्चन, पढ़े और जवाब दें। वाइल असेसिंग लर्नर इन आई ईबीएस और हैज टू अवॉइड ईबीएस में, शिक्षार्थियों और लर्नर करते समय बचना होगा। ए यूजिंग वैरायटी ऑफ बेस कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, जानकारी एकत्र करने विभिन्न तरीकों के उपयोग करने से। बी इमीडिएट रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स एंड रिच एक्यूरेट डिटेल, अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग करने से। सी यूजिंग ग्रुप वर्क ऑफ बेसिस ऑफ असेसमेंट, आकलन के आधार पर, आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से। समूह यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज ड्यूरिंग असेसमेंट, आकलन करते समय तकनीकी भाषा के प्रयोग करने से। सभी का जवाब सही आएगा उम्मीद करते हैं। राम जीवन कोहली करे, गुड नाइट। बर्रा ब्रांच वाले, कल मेरी क्लास होगी 10 से 2, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मैथ की पैडागॉजी पूरी खत्म करेंगे, और कल्याणपुर ब्रांच वालों की कल छुट्टी रहेगी कोचिंग में, तो वो 10 से 2 अपने घर में नहा धो के नाश्ता पानी करके मोबाइल लेके बैठेंगे और सबको नोट करेंगे, नेक्स्ट डे देखेंगे हम। और सभी का जवाब देख पा रहे, डी आ रहा जवाब। यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज ड्यूरिंग असेसमेंट, आकलन करते समय तकनीकी भाषा के प्रयोग से, उपयोग करने से, इससे बचना चाहिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, जवाब दें फटाफट। सुश्री देव ज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण की चीजों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही हैं। मिस्टर देवो ज्योति इज टीचिंग द आइडियाज ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ थिंग्स इन द एनवायरमेंट यूजिंग एग्जांपल फ्रॉम कम्युनिटी। व्हिच आर द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेड ऑफ टीच कॉन्सेप्ट, निम्न में कौन सा उदाहरण इस धारणा के लिए सबसे उपयुक्त है? आ पोस्ट ऑफिस, एक डाकघर, अबेंडन्ड बिल्डिंग, एक परित्यक्त इमारत जो छोड़ दी गई हो, परित्यक्त मतलब। सी अ ग्रोसरी स्टोर, एक किराने की दुकान। डी ए सीवेज ड्रेन, एक नाली। पढ़ें और जवाब दें। सभी का जवाब सही देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सी जवाब सही होगा, आयन ग्रोसरी स्टोर, इससे अच्छा कोई ऑप्शन इसके लिए नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, एक शिक्षक एक ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करता है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि पर एनिमेटेड वीडियो प्रदान करता है, निम्नलिखित से क्या समझने के लिए पाठ पुस्तकों और अन्य स्रोतों की तुलना में इस संसाधन का उपयोग सबसे बेहतर है? ए घटनाओं का लोगों के जीवन पर प्रभाव, बी घटनाओं के कारण, सी पूर्व में कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आई थी, डी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के उपाय। और पढ़ें और जवाब दें।
कोई सी जवाब दे रहा, कोई डी जवाब दे रहा, भाई क्वेश्चन पढ़ पाए। एक शिक्षक ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग कर रहा है जो प्राकृतिक आपदाओं ज्वालामुखी भूकंप भूस्खलन में एनिमेटेड वीडियो प्रदान कर रहा है। निम्नलिखित में से क्या समझने के लिए पाठ्य पुस्तकों अन्य स्रोतों की तुलना में संसाधन का उपयोग सबसे बेहतर है? क्या समझने का कार घटनाओं के लोगों जीवन प्रभाव क्या पड़ रहा है, क्या ये समझने के लिए, या बी घटनाओं के कारण समझने में काम आएगा, या सी पूर्व में कौन सी प्राकृतिक आपदाएँ आई थी? तो आप शायद श्योर होंगे कि ये नहीं होगा, बचने के उपाय प्रभाव की बात कर रहा है भाई, किस संसाधन उपयोग बेहतर होगा। तो ऑप्शन आपके खत्म कर दिए स्क्रीन पर, और सी उमर और सी अकबरपुर से हैं। अकबरपुर के कितने बच्चे जुड़े हुए हैं इस समय, एक बार उपस्थिति दर्ज कराएं। तो 10-20 में है। आपका जो सही जवाब होगा वो बी होगा, घटनाओं के कारण, मोस्ट ऑफ द करेक्ट। बार बार कह रहे हैं जब हम ईबीएस पढ़ाते हैं, कंटेंट लिखाते हैं, आपने देखा हो कम से कम 5 से 10 मिनट बोलते हैं तब जाके कहीं एक लाइन लिखाते हैं, वो लाइन से ज़्यादा हमारा बोलना इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान दें। सलाह दे रहे हैं आपको बहुत अच्छी, आप सुनना नहीं चाहते, आप सिर्फ कॉपी करना चाहते हैं, आपको नकल करना और रटना है तो टीटी का एग्जाम आपके लिए बना है। अगर आप रटना चाहते हैं, नकल करना चाहते हैं, तो टीटी के एग्जाम में स्वागत है आपका। चलिए भाई, अकबरपुर से बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, सभी का थैंक यू, तहे दिल से स्वागत है भाई। कम से कम आप आए, थैंक यू तो आपको बोलना चाहिए, लेकिन हम ही बोल दे रहे हैं। फॉर टॉपिक डैम बिल्ट टाना रिवर विच दिज आर स्पेसिफिक मेजरेबल एंड अटेनलेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध के विषय में विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है? ए छात्रों को पता चलेगा कि नदियों पर बांध कैसे बनते हैं। बी छात्र उन नकारात्मक प्रभाव को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ेगा। सी छात्र बांध की नींव के लिए किए गए निर्माण कार्य का उदाहरण देंगे। डी जब बांध उनके जीवन को प्रभावित करते हैं तब छात्र स्थानीय बस्तियों की वकालत करने में मदद करेंगे। जवाब दें। देख पा रहे हैं जवाब सही आ रहा है सभी का, और बी जवाब होगा, छात्र नकारात्मक प्रभाव को सूचीबद्ध करेंगे बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को क्या सामना करना पड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही। चलिए नेक्स्ट, ईयर आर 22। निम्नलिखित कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो सक्रिय छात्र व्यस्त का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? ए छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों के आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। बी शिक्षक द्वारा विषय का परिचय देने के बाद छात्र पाठ पुस्तक से मधुमक्खी के छत्ते की संरचना, या सी जोड़े में छात्र ईवीएस पाठ पुस्तक बढ़े पत्तियों के विभिन्न रंगों की सूची बनाते हैं। डी एक पाठ के पूरा होने पर छात्र कुछ पारिभाषिक शब्दों की परिभाषाएँ लिखते हैं। तो 22 में जवाब देंगे आप लोग। पूनम देवी देवी कह रहे हैं सर यूट्यूब पर होगी। अगर कुछ बच्चे ऐसे इस पर जुड़े जो हमारे तीनों ब्रांच में नहीं जुड़े हैं, अगर आप लोग चाहे तो हम एक बार यूट्यूब पर भी दे सकते हैं, अगर कोई नीडी हो तो। ट्वेंटी टू में सभी का जवाब सही आ रहा है। ए छात्र जोड़ियों पारंपरिक शिल्प के पतन शिल्पकारों आजीविका पढ़ने वाले प्रभाव की चर्चा करते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये लिखा हुआ है स्क्रीन पर। बार बार कह रहे हैं किसी के भी जवाब गड़बड़ा रहे हैं। जब हम क्लास में समझाते बेटा 10-10, 15-15 मिनट बोलने के बाद एक पॉइंट नोट कराते हैं, हमसे ज़्यादा कोई स्लो पढ़ाता नहीं है। चलिए ए रहा स्क्रीन पर 22 नंबर।
बार बार कह रहे हैं कल्याणपुर ब्रांच के अगर कोई बच्चा बर्रा आ सकता है, जैसे एक दो लोगों का अतुल ने कहा है और आदेश ने कहा कोई आना चाहे आ सकता है, वरना सभी लोग घर में बैठ के जुड़े हैं। बर्रा सचान गेस्ट हाउस में कोचिंग है। अंजुम भाई जुड़ी हुई हैं, क्या हाल है बेटा? येरा 23 विच आर द फॉलोइंग फीचर्स आप साइंक्रोनस ऑनलाइन टीचिंग ऑफ ईबीएस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। निम्नलिखित में कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईबीएस पढ़ाने के लिए समकालिक यानी सिंक्रोनस शिक्षण की विशेषताएं हैं? ए विद्यार्थी किसी समय कक्षा में शामिल हो सकते हैं। बी शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है। सी जब भी वे शामिल होते हैं तो विद्यार्थी को ऑनलाइन क्लास का पाठ वस्तु मिल जाता है। डी शिक्षक किसी भी समय पाठ सामग्री साझा करने में सक्षम होते हैं जिसकी विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग कर सकता है। देख पा रहे हैं सभी का जवाब सही आ रहा है। बी जवाब सभी शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय बातचीत करने में सक्षम है। ये रहा 24 नंबर, पढ़ें और जवाब दें सभी लोग। विच आर द फॉलोइंग एक्सरसाइज मोस्ट क्लोजली अलाइंस विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? ईबीएस में तो अभी हम यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, संरचनावादी में पढ़ाया है संरचनावादी कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको जवाब दें आप पढ़ के। चारों ऑप्शन पढ़ें, हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो बेटा कल हमारा गला नहीं काम करेगा, इतनी लंबी क्लासेस हैं, ऑप्शन आप पढ़ के हमें जवाब दिया करें, हम सही ऑप्शन ही पढ़ेंगे। और सभी का जवाब देख रहे हैं स्क्रीन पर, सही आ रहा है एक तरफ से, ऑप्शन आप पढ़ लिया करो। कई बार हमें लगे बार बार वही ऑप्शन चिल्लाओ, या तो ऑफलाइन क्लासेस 12-12, 13 घंटे ना पढ़ाओ, दिक्कत आती है। ये रहा 25 नंबर, पढ़ें और जवाब दें सभी लोग। स्क्रीन लिखा हुआ है, अपने आप ही पढ़ें आप। संचारी बनाम गैर संचारी समझ रहे हो ना, एक फैलने वाले होते हैं जो कम्युनिकेट नहीं होते, एक दूसरे से डिजिट ट्रांसफर नहीं होती हैं, वो लिखा है वही। कौन सा प्रश्न होगा? देखो कुछ लोग बी जवाब दे रहे हैं, यार प्रश्न भी तो पढ़ लो भाई। संचारी गैर संचारी आप धारणा दोनों की बात कर रहा है, आप बी जवाब दे रहे हैं। माता पिता में किसी एक को मलेरिया है तो स्वयं को इसके जोखिम को कम करने के लिए, कहाँ दोनों रोग आ रहे? पहले वाले ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम आ रही? हम कोविड को रोकने के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं, लेकिन मधुमेह के प्रसार रोकने के लिए नहीं, क्यों? इसमें दोनों नहीं आ रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? सही जवाब है, थोड़ा समझ के जवाब दिया करें, ऐसा ही नहीं। ये 26 नंबर, पढ़ें और जवाब दें। ट्वेंटी सिक्स पढ़ें और जवाब दें। निधि कटियार कह रहे हैं 26 में ए जवाब है। चलिए देखते हैं निधि कौन सा सही है, हमें भी पढ़ना ही पड़ेगा। ए सभी जवाब दे रहे हैं कि प्रयोग के विशेष निष्कर्ष प्राप्त करने को कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ए समझने के कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को गीला करना। ए जवाब सही होगा,
सभी का जवाब सही आ रहा है, ये रहा स्क्रीन पर 27 नंबर। फोकस ऑफ असेसमेंट ऑन इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग इज सीखने में सुधार व आकलन का बिंदु क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट इन्वॉल्विंग फॉर सिचुएशंस। बहुत अच्छे से क्लियर किया है, और जो बच्चे हमारे यहाँ ऑफलाइन नहीं जुड़े हैं उन्हें भी करा देंगे। अतुल ध्यान देते हैं बेटा, आपकी भी बात हम पढ़ पा रहे हैं। शिवांगी पांडे करें सर, पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? बेटा पीडीएफ आप बुधवार को हमारी किसी भी ब्रांच से हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी, या सॉफ्ट कॉपी टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे, बुधवार को टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे, और सलाह देंगे बहुत महंगे महंगे कोर्स मत खरीदिए। हम लोग भी पूरा मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं कहाँ क्या चल रहा है, इसलिए जो आप पैसे से कोर्स खरीदेंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और सभी का जवाब सही आ रहा 27 में, असेसमेंट फॉर लर्निंग, और इसका भी हमने बहुत अच्छा कंटेंट तैयार किया है, अन्य बच्चों के भी पढ़ा देंगे। चलिए ये रहा 28 नंबर, पढ़ें और जवाब दें। पीएनएसएमएन ईबीएससी जीबीएस में सहपाठी आकलन क्या है? असेसमेंट है लर्निंग है, असेसमेंट अबाउट लर्निंग है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स है, डी असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और नीचे ऑप्शन दिए, केवल ए सही है, बी सी सही है, या ए सी दोनों सही है, ए सी एंड डी। पढ़ें और जवाब दें। पीयर असेसमेंट में क्या होता है? सोनम कहाँ गई? अजीत यादव कह रहे हैं ऑफलाइन में पढ़ा दो। ऑफलाइन में दो दो बार पढ़ाया मेरे भाई, और पढ़ा देंगे, और पढ़ा देंगे। मधु कह रही बी जवाब होगा, बी में यानी ओनली सी, एवोल्यूशन ऑफ लर्निंग आउटकम। लोग एक जवाब आ रहा, कुछ लोग ओनली ए सही है, ओनली ए ही सही है, असेसमेंट एज लर्निंग। पीयर असेसमेंट में पढ़ाया है बेटा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा एक बार और पढ़ा देंगे, कोई नहीं घबराइए, नहीं परेशान नहीं हो, जो जो प्रॉब्लम्स रह जाती उन्हें नोट डाउन कर लिया करें, बाद में डिस्कस कर लें आप हमसे। और इस क्लास में ये आपका जो क्वेश्चन का सेशन चल रहा है, जरूर जुड़ें और स्वयं को जांचें कहाँ हैं आप। अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास समय, आप कर सकते हैं। हेलो, अरे क्लास चल रही है अभी, अरे लगेंगे दो, एक क्वेश्चन रह गया तो कहाँ हैं आप। हेलो, तो हमारा 29 चल रहा है, 30 क्वेश्चन है, बाकी आप देख लो अपने हिसाब से। चलिए 29 क्या है? व्हाट शुड बी मैक्सिमम इन ईबीएस क्लासरूम फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए ईबीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? ए प्रोविजन ऑफ डिबेट्स, वाद विवाद का प्रावधान, बी एक्सपीरियंशियल लर्निंग अनुभवात्मक सीखना, सी स्टोरी, डी फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन, तथ्य और सूचनाएं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं सभी का जवाब सही आएगा, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, एनईपी 2020 में पढ़ा रखा है, ये भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो ये नहीं होना चाहिए, और ये सी में सही लिखा हुआ है। ये रहा स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज अ हायर ऑर्डर क्वेश्चन टीचर विल बी सिलेक्टेड असेसमेंट और ईबीएस, पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे। व्हाट आर फाइव रूट्स वी ईट, हम कौन सी पांच जड़ें खाते हैं? बी व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो पेट्रोल एंड डीजल ऑन अर्थ, क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो? सी व्हाट इज ग्रीन कलर ऑफ लीव्स ड्यू टू, पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है? डी व्हाट आर स्टेप्स ऑफ हार्वेस्टिंग व्हीट क्रॉप स्टार्टिंग फ्रॉम सोइंग सीड्स, बीज बोने से लेकर गेहूं काटने तक की फसल के चरण कौन से हैं? और इसका आप सही जवाब देंगे हमें, सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? और सभी का जवाब सही आ रहा 30 का बी।
चलिए, थैंक यू, इतना आप जुड़े, साथ दिया। एक बार स्वयं को जांचिए कहाँ तक आप सही हैं, कहाँ तक गलत हैं। अतुल बार बार 15 क्वेश्चन की चर्चा कर रहे थे, एक बार देख ले रहे हैं, हो सकता है जल्दबाजी में स्पीड से चला गया। अतुल देख ले रहे हैं, कोई नहीं, कोई हमारा मान नहीं घट जाएगा। ये एक्सपर्ट क्वेश्चन बनाते हैं, उतने एक्सपर्ट जिस दिन हो जाएंगे हम कोचिंग पढ़ाना बंद करके हम भी बोर्ड में ही पहुंच जाएंगे, हम भी प्रश्न ही बनाएंगे। तो देख ले रहे, कोई नहीं। एक दिन दिव्य कीर्ति सर का सुन रहे थे, वो यही कह रहे थे कि अच्छा टीचर वही है जो जिंदगी में विद्यार्थी बना रहे हैं, बाकी अब समझदार हैं। चलिए, पर्यावरण अध्ययन में सार्थक पूर्ण सीखना निम्नलिखित किसके द्वारा नहीं हो सकता है, किसके द्वारा नहीं हो सकता है। चलिए देख लेते हैं, यही था मेरा। चलो भाई देख लें, एक बार इसको देख लें, निधि कह रहे हैं गुड नाइट सर जी। चलो भाई गुड नाइट, बाकी लोग इस 15 को देख लें। ये सही तो है अतुल, क्या समय रटने में आदर्श सीखना शामिल करना, रोड मेमोरी पर नहीं काम होता भाई, रटने पे कहाँ, क्या दिक्कत थी, जवाब तो सही है। चलिए जवाब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी कुछ आपके डाउट ऑफलाइन क्लियर करें, सब सही है, ठीक है। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा, कल्याणपुर ब्रांच की कल छुट्टी रहेगी भागवत का कार्यक्रम, उसके कारण बाकी हमने प्रयास किया कि एक दो दिन के क्लास एडजस्ट हो जाए, या तो हम ये मान लें कि हमारा व्यवहार गंदा है इसलिए लोगों ने हमें जगह नहीं दी, एक चीज ये भी हम बोलते हैं, थोड़ा स्पष्टवादी आदमी है, या दूसरा कारण ये मान लें। बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, दूसरा कारण बताने से पहले हमेशा तवज्जो दीजिए उस आदमी को जो काबिल हो, जाति धर्म छोड़ दीजिए, अगर व्यक्ति काबिल है, समाज से भी समाज के लिए उपयोगी है, लोगों के हित में काम कर रहा, सलाम कर लीजिए उसको, है ना। कहते नहीं जात ना पूछिए, साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। हमारा तो भ्रम बहुत पहले, आज से 10 साल पहले टूट चुका था कि दुनिया में जाति और धर्म मायने नहीं रखता है। अगर आप भी इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि जाति धर्म सब कुछ है, तो इससे ऊपर उठ जाइए। शिक्षक की एक जाति जिसको कहते हैं शिक्षक जाति, एक धर्म जिसको कहते हैं शिक्षक धर्म। कल्याणपुर वाली हमारी ब्रांच को ओपनली बोलते हैं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चार पांच यादव बंधु ऐसे थे जो हमारी क्लास को एडजस्ट कर सकते थे, चलवा सकते थे, किसी का 1 साल के लिए हमारे यहाँ आइए, किसी का 6 महीने के लिए। बार बार कहते हैं जिस शहर में बैठे हैं, जिसको कानपुर नगर कहते हैं, इकलौते डायरेक्टर ऐसे हम हैं कि बच्चे के पास पैसे ना हो, समस्याएं हो, अगर पैसे नहीं हुए तो उसके फीस माफ कर दी, और उसने कहा साहब खर्चा कैसे चलेगा, उसके लिए उसको अपने काम से जोड़ लिया कि कुछ यहां से कमाता रहे। पूरे शहर में ढूंढ आई, ऐसा डायरेक्टर नहीं मिलेगा आपको। आज हमारे क्लास के एडजस्ट की बात आई तो लोगों से संभव नहीं हो सका। इसीलिए जो लोग गलत फहमी में हमारे ग्रामीण एरिया से जुड़े हैं, कन्नौज फरुखाबाद एटा इटावा, जाति धर्म भूल जाइए, इससे ऊपर जिस दिन उठ जाओगे उस दिन आपकी उन्नति हो जाएगी। जिस दिन आपके काम में बाधा डालेंगे, आपके परिवार के लोग डालेंगे, आपके रिश्तेदार डालेंगे, आपके जाति के लोग डालेंगे, गैर धर्म बिरादरी के लोग तुम्हारे लिए जान लगा देंगे। और हमें हीरो बनाने में, ऊपर उठाने में, अभी आज की डेट में हमारी तीनों ब्रांच से 65 जिले का बच्चा जुड़ा हुआ, उन सब ने ताकत लगा दी ऊपर उठाने के लिए, और हमने भी ताकत लगा दी उनको सफल कराने में। इसीलिए जो बच्चे ऐसे हैं जो जाति धर्म से ग्रसित हैं, उठ जाइए इससे ऊपर, उसी दिन से आपकी प्रगति का मार्ग खुल जाएगा, ये मेरी सलाह है। और आज जीता जागता उदाहरण है, कल्याणपुर में 250 से 300 जनता मेरे सामने बैठी थी, 10 लोगों को फोन लगाया, कोई कह रहा हमारा 1 साल के लिए हॉल ले लीजिए, कोई 6 महीने के लिए। इसीलिए बेटा हमें घमंड इस बात का कभी नहीं है कि शहर में आके हम संपन्न हो गए, लेकिन घमंड इस बात का हमेशा रहेगा कि गरीबों की मदद करने में आगे रहे, किसी को किसी प्रकार की मदद की जरूरत रही तो दिन रात खड़े रहे। अगर कभी हमारे बच्चे बीमार हुए, रात में 2 बजे फोन आया कि साहब डेंगू से ग्रसित हैं, हमारा घरवाला नहीं, मैं गाड़ी लेके खुद गया हूँ, अपने कर्मचारी को नहीं भेजा, इसी बात का घमंड है, और ये गुरूर जीवन भर रहेगा, और ईश्वर करे ये गुरूर मेरे अंदर बना रहना चाहिए। ठीक
तो कोई बात नहीं, हम जितने कल्याणपुर के बच्चे हैं उनसे क्षमा चाहते हैं, एक दिन एडजस्ट करिए। आपकी ट्यूज मंडे से वेडनेसडे से बुधवार से क्लास प्रॉपर फिर चलने लगेगी, और कल की भरपाई हम 10 से 2 करेंगे बर्रा वाली ब्रांच में ऑनलाइन पढ़ा के। जितने बच्चे यहाँ आ सकते हैं आपका स्वागत है, आप आइए, कोई समस्या नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और हम वचनबद्ध हैं आपका कोर्स कराने के लिए। ठीक, थैंक यू।